वेलकम टू गैरांस फैमिली। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सो फ्रेंड, आज मैं बच्चों के कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ अपने बच्चे पे और कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है बच्चों के लिए, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरी कॉलेज फ्रेंड, ना कि यूट्यूब फ्रेंड, मेरी कॉलेज फ्रेंड मेरे से पूछी थी। उसको बेबी गर्ल हुई थी और मेरा बाबू 3 या 4 महीने का हो गया था। तो स्टेटस में उसने फोटो देखा तो बोली, राखी तू अपने बाबू पे कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करती है एंड कैसे उसकी केयर करती है, वो सारी चीज़ें बता, मेरी भी बेटी हो गई। और हम लोगों को ना इतना कुछ आइडिया नहीं है था उस टाइम पे, अभी बाबू हो गया तो मुझे हर चीज़ पता है और अब मुझे आने भी लगी है सारी चीज़ें। तो वो भी तब नई नई थी तो मेरे से पूछ रही थी और मैं 3-4 महीने का बाबू हो गया था, बाबू को स्टेटस में देखती थी तो वो मतलब मेरे से पूछने लगी। तो मैं उसको सब चीज़ बताई कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ, वही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। तो सबसे पहले आप मेरे बाबू से मिल लीजिए थोड़ा सा। बाबू यहाँ पे शॉवर लेके आया है और अब लल्ला की थोड़ी सी मालिश होगी फिर से एंड फिर मैं छोई छोई करूँगा। और देखो अब मेरा लल्ला रेडी हो गया है और अब मम्मा के साथ वीडियो बना रहा हूँ मैं। लव यू। तो आप लोग मिले मेरे बाबू से, मेरा बाबू कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैं अपने बाबू की मालिश करती हूँ, कौन सा ऑयल मैं यूज़ करती हूँ उसकी मालिश के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं फिगारे ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ उसके मालिश के लिए। रेगुलर सुबह की जो मालिश होती है, शाम की जो मालिश होती है, वो इसी तेल से होती है। और सच मानिए, मेरी मालिश में मेरा बाबू 1 साल के मतलब अंदर अंदर चलना सीख गया है, जो कि मेरे को मतलब बिल्कुल भी मालिश का कुछ भी नहीं पता था। मम्मी से जो देखा था मैंने वही किया था। तो फिगारो ऑयल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है बच्चों के लिए। मैं आपको बताऊं, एक बार मैंने अपने बाबू पे मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल गरम करके लहसुन डाल के उसको ठंडा करके बाबू के बॉडी में मसाज कर दिया था। ठंडी के टाइम में किसी ने बोला था तो मेरे बाबू के पूरे बॉडी में मतलब पूरे शरीर में उसके इतने बड़े बड़े छाले जैसे आ गए थे, और छाले नहीं थे मतलब जैसे मच्छर काट लेते उस टाइप के हो गया था। और फिर मैं पूरी रात डर गए, हम सुबह मालिश करने के लिए उसका मतलब रात की मालिश की है, सुबह हम उसका देखे पूरा बॉडी में ऐसा था और रात भर रोया। हम सुबह डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर बोला कि उसको इन्फेक्शन हो गया है किसी चीज़ का। तो तब से मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करना बंद कर दी। उसके सिर में मैं ज़रूर वही तेल मतलब सरसों का तेल ठोकती हूँ डेली मॉर्निंग में। और उसके बाद जो मैं मतलब दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, तो मैं नहलाने के लिए उसको बेबी शैम्पू, सारे प्रोडक्ट मैं हिमालय के यूज़ करती हूँ और ये हिमालय का ही शैम्पू, साबुन भी उसका जो सोप है वो हिमालय का है और वो मैंने खोल दी हूँ तो बाथरूम में रखा है तो मैं नहीं लाई हूँ। और हिमालय का साबुन, हिमालय का बॉडी लोशन, हिमालय की क्रीम एंड हिमालय का पाउडर, ये सारी चीज़ें हिमालय के प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ अपने बाबू के लिए। एंड एक ऑयल भी यूज़ करती हूँ हिमालय का मैं, और वो मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ उसको, क्योंकि इसकी स्मेल मुझे बहुत पसंद है। मतलब ये ऑयल जब मेरा बाबू नहलाती हूँ मैं, पहले मालिश करती हूँ फिर नहलाती हूँ उसको कुछ देर छोड़ के, और फिर खेल लेता है वो, उसके बाद मैं मालिश करती हूँ मतलब नहलाती हूँ जब मालिश के बाद, तो मैं उसके सिर में फिर ये वाला ऑयल डालती हूँ शैम्पू करके, ये वाला ऑयल डालती हूँ, इससे इतनी प्यारी स्मेल आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं हर महीने ये भी मंगाती हूँ जब ये ख़त्म हो जाता है उसके सिर में लगाने के लिए। एंड बॉडी लोशन उसकी बॉडी में लगाती हूँ एंड फेस पे उसके मैं क्रीम लगाती हूँ एंड पाउडर मैं उसकी पूरी बॉडी में लगाती हूँ। तो ये पूरे मतलब मालिश ऑयल एंड मालिश ऑयल फिगारो एंड ये मैं अपने लिए लगाती हूँ हिमालय का ऑयल, क्योंकि मुझे बहुत 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 अच्छी लगती है इसकी स्मेल। तो मैं जब बाबू को उठाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो और शैम्पू भी एंड सोप भी मैं हिमालय का ही यूज़ करती हूँ। तो बच्चों पे वही चीज़ें अप्लाई करें, मेरा बताने का मतलब सिर्फ यही है कि वही चीज़ें अप्लाई करें जो बच्चों को मतलब सूट करे। ऐसा नहीं है कि लोग बोल दिए सरसों का, मतलब बहुत सारी चीज लोगों ने मुझे बताया कि ये यूज़ करो वो यूज़ करो, लेकिन मेरे बाबू को कुछ भी सूट नहीं किया और सारी चीज़ें हिमालय की ही सूट करती हैं उसको। और टचवुड ठीक है, भगवान की कृपा है तो अच्छा है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको
उसे, तो आप लोग भी अपने बच्चों के बॉडी के हिसाब से, और मैं तो सजेस्ट करूंगी कि हिमालय के प्रोडक्ट बच्चों के लिए बेस्ट एंड बेस्ट हैं। तो और मालिक कोई भी ऑयल यूज ना करें, सिर्फ फिगारो का ऑलिव ऑयल ही यूज करें। एंड अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी मेरी बातें अच्छी लगी हो, मेरा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर जरूर करें। एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। बाई।